बाबा क्या हुआ? बाबा आपने ऐसे अर्जेंटली फोन करके बुलाया? आप ठीक तो है ना? और माँ कहाँ पे है घर? अरे माँ गया है मंदिर। लेकिन तू हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारा तबीयत ठीक है कि नहीं? ये सवाल तो हमको तुमसे पूछना चाहिए, तुम ठीक है कि नहीं, क्या हुआ तुमको? Are you all right? बाबा मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है? नहीं क्या होगा, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मेमोरी को क्या हुआ है? सब भूल गया? क्या भूल गया बाबा? डेट भूल गया तुम? मुझे दीजिए, मैं करूँ। अरे हम दे रहे हैं बाबा, मैं ले लेती हूँ। कौन सा डेट बाबा? ये मुश्किल तो दिन ये आर पारा जावे ना, बुझली? कल क्या डेट है? कल बाबा, कल तो माँ का जन्मदिन है। लेकिन गलती हमारा है, माय मिस्टेक। बचपन में तुमको और बादाम खिलाना चाहिए था। अच्छा हमको लगता है कि वो 12 बजे रात को जो सरप्राइज होता है ना, सब अचानक से मिलके ओ हो वाला, हां वही वाला सरप्राइज देगा रात को। पर मैं रात को अकेले छोड़ के राहुल को कैसे आ सकती हूँ? हेलो हेलो, मानवी जी, मैं निधि बात कर रही हूँ, वो दुर्गापुर जागीर वाली। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हम आज मिल सकते हैं? हाँ निधि बोलो, क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर आपको और राहुल जी को बात करते हुए सुना था कि वो जानवर में बदल जाते हैं। क्या क्या ये बात सच है? तुमने हमारी बात सुनी? इसका मतलब ये बात सच है तो रुद्राक्ष अपना काम नहीं कर रहा है कि वो उन्हें जानवर बनने से नहीं रोक पा रहा? जंगल में जो लाश मिली थी क्या उसे राहुल? नहीं निधि, हम मिलकर बात करते हैं। राहुल कभी किसी की जान नहीं ले सकता। तुम शाम को 7:30 बजे मुझे मेरे ससुराल में आके मिलो। मुझे मेरे बाबा के घर जाना है, हम रास्ते में बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो। बहुत परेशान हो? राजीव के खूनी के बारे में पता नहीं चल रहा है? अगर मैं तुम्हें खूनी की पहचान दे दूं तो? कौन बोल रहे हैं? कैसे जानते हैं आप इस सब के बारे में? कौन हो तुम? मेरे बारे में नहीं, खूनी के बारे में सोचो इंस्पेक्टर। मैं सिर्फ राजीव के नहीं और 2 खून के बारे में जानती हूँ। और खूनी रुकने वाला नहीं है, एक और हमला होगा। खूनी फिर हमला करेगा आज रात। अरे तुम हो कौन, क्या जानती हो इस केस के बारे में? मुझे साफ साफ बताओ। आज रात हमले के बाद सारी बातें पता चल जाएंगी। एक बात और, राहुल सबरवाल पे नजर रखना मत भूलिएगा। ये नींद की गोलियां राहुल, तुम 2 गोलियां लोगे, उसके बाद तुम सुबह तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए। स्लीपिंग पिल्स, मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? स्लीपिंग पिल्स, अगर मैं बेहोश होऊंगा तो शेर भी नहीं उठेगा। नहीं होगा, मुझे अपने को बांधने की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। सही बोल रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हैं? काबू में रहोगे, स्लीपिंग पिल्स। मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ, गर्म दूध लेके आती हूँ, तब तक तुम शांत लेके आती हो। तुम बस शांत हो जा राहुल, मैं आ रही हूँ, मैं जस्ट अभी आ रही हूँ। जल्दी लेके आना। हाँ मैं आ रही हूँ राहुल। क्या वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है? और क्यों? पहले तो दवाई के नाम से इतना चिढ़ता था, लेकिन आज वो नींद की गोलियां खुशी खुशी ले रहा है। काकू में रहने का क्या मतलब है? फिर हो क्या रहा है यहाँ? क्या बात है, बाबा तो दिन पे दिन और भी रोमांटिक होते जा रहे। अच्छा कब से इनके जाने की वेट कर रहा था। मानवी बाबा वहां गए, जल्दी से आ जा। दादा मैं केक ले आई। वेरी गुड। अच्छा दादा वो निधि नाम की कोई लड़की आई थी। निधि? नहीं तो क्यों? नहीं। अच्छा जल्दी से तू मेरी हेल्प करवा। एक मिनट दादा। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली नॉट रीचेबल। निधि तो घर के पास ही थी, उसे तो यहाँ मुझसे पहले पहुंच जाना चाहिए था।